झालावाड़ जिले के गंगधार थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 किलोग्राम स्मैक कांट राज्य फरार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस उपाधीक्षक ब्रिज मोहन मीणा ने बताया कि 10 नवंबर 2019 को नाकाबंदी के दौरान सुवासरा की तरफ से आते हुए एक ट्रक नंबर RJ33J1297 को रोककर साकरिया रेलवे फाटक के पास चेक किया था। ट्रक के अंदर अभियुक्त उमर खान निवासी कठफला थाना अकलेरा व ओम प्रकाश निवासी भरतपुरिया थाना अकलेरा के कब्जे से भारी मात्रा में 4 किलोग्राम स्मैक बरामद करने में सफलता प्राप्त की, जिस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। घटना के बाद से 4 किलोग्राम स्मैक का अंतर राज्य तस्कर जाकिर खान निवासी मिर्जापुर थाना अकलेरा फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर कल मंडी तिराहर अलायती रोड से जाकिर खान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जानकारी के अनुसार बता दें कि 4 किलोग्राम स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई है। वही आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 5 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा गया। खबर आपकी राजस्थान से, मनोज कसेरा की स्पेशल रिपोर्ट। पिछले दिनों नवंबर माह में जो मुकदमा एनडीपीएस का दर्ज किया गया था, उसमें पूर्व में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में इसमें गिरफ्तार चल रहे अभियुक्त जाकिर पुत्र शफीरुल्ला, इसके बारे में काफ़ी दिनों से प्रयासरत है, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। तो कल दिनांक को इसको रलायती तिराया कलमंडी रोड से मुखबिर की सूचना पर डिटेन किया गया था। उक्त मुलजिम को थाने पर लाकर पूछताछ की गई, तो उसमें ये जाकिर पुत्र शफीरुल्ला के रूप में इसकी पहचान हुई, जो एनडीपीएस के मुकदमे का अभियुक्त था। आज इसको पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय ACGM कोर्ट चौमेला में पेश किया गया, जहां पे 5 दिन की पीसी प्राप्त की गई।